हेलो गाइस, न्यू जेंस इज हियर। रुको, ये कौन बोला था? म्यूजिक बंद कर, ये तू ठीक नहीं कर रहा। बाप का चैनल समझ के रखा है क्या? मैं कुछ नहीं, बाप का चैनल। पाकिस्तान से भाग, पाकिस्तान से हो, हाथ पैर गंदे हो गया। सो व्हाट इज अप गाइस, क्या चला लाइफ पे? बस आज के सवाल वीडियो में मैं ना बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप एक YouTube वीडियो को कैसे शूट कर सकते हो। हाउ टू फिल्म अ YouTube वीडियो, मतलब आप अपनी वीडियो को शूट करने के लिए किस किस चीजों का सामान का यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या सामान हो सकते हैं एक YouTube वीडियो के लिए। लोग ट्राइपॉड, कैमरा वगैरह सब कुछ के बारे में इस वाले वीडियो में बात करी जाएगी और आप इसको जान सकते हो। और एक नए यूट्यूबर को जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो उसे बता सके कि क्या क्या आप यूट्यूब के लिए ले सकते हो जो आपके लिए प्रॉफिट रहेगी, जिसके जरिए आप थोड़े बहुत अच्छे खासे वीडियो बना सकते हो और काफी तगड़े से, मतलब कम टाइम पे ही आपकी सेटअप बहुत तगड़ी सी दिखने लगेगी। तो गाइस इस वाले वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी अपनी क्या क्या सेटअप को इंप्रूव कर सकते हो या फिर अपनी सेटअप में सब चीजों को ऐड कर सकते हो या फिर आप भी यूट्यूब वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप इन सभी चीजों को ले सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहली जो हमारी थिंग है जिसकी हमें जरूरत होती है सबसे ज्यादा, तो वो है हमारा कैमरा। चाहे वो स्मार्टफोन का कैमरा हो, चाहे वो DSLR का कैमरा, चाहे वो सोनी का 4K 8K या फिर कोई कैमरा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें एक कैमरा की जरूरत होती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारे YouTube वीडियो के लिए। कैमरा सही होना चाहिए बस, और कुछ मैटर ज्यादा नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आती है वो है हमारा कैमरा। एंड गाइस अगर आप एक स्मार्टफोन का कैमरा से शूट करोगे, एक DSLR के कैमरा से शूट करोगे, अगर आपने स्टार्टिंग करा हुआ है तो आप स्मार्टफोन के कैमरा से शूट करो या फिर DSLR के कैमरा से शूट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, आपकी शुरुआत में ही काफी तगड़ी सी सेटअप देख के लोग जरूर से दंग होने वाले हैं, क्योंकि भाई आपकी कैमरा काफी तगड़ी सी। और जो गाइस दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक लाइट सोर्स का, मतलब हमारे पास एक लाइट सोर्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास कैमरा है और लाइट नहीं है तो भाई तो समझ सकते हो कैसी लगेगी देखने में, और हमारे पास अगर लाइट ही नहीं है, कैमरा है, तो भी कैसी लगेगी देखने में। मतलब इन दोनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है हमारी वीडियोज में, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारे वीडियोज में। यूट्यूब वीडियोज काफी अच्छी लगती है इन दोनों चीजों के हिसाब से। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, आप सनलाइट में भी वीडियो बना सकते हो, पर लाइट इंपॉर्टेंट रखती है वो चाहे किसी भी प्रकार में क्यों ना मिले। तो गाइस लाइट का भी काफी ज्यादा जो है वो सोर्स आ चुका है हमारे मार्केट में। पहला तो हमारा रिंग लाइट हो चुका है और दूसरा जो आया है वो है सॉफ्ट बॉक्स, जो कि इन दोनों को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और अगर मेरी मानो तो गाइस आप सॉफ्ट बॉक्स लो, क्योंकि रिंग लाइट में कभी कभी क्या होता है कि आप मेरी आंखों में देख सकते हो ये रिंग लाइट की जो बन रही है, ये जो है सॉफ्ट बॉक्स में बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो एक तरह से लाइट देती है और उसका बिल्कुल ऐसा इफेक्ट नहीं होता। वो बस लाइट देना उसका काम होता है और उससे ज्यादा उसका काम कोई नहीं होता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप सॉफ्ट बॉक्स ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी वीडियो शूटिंग करने का मौका मिले तो आप वीडियो शूटिंग भी कर सकते हो उससे। पर अगर आप रिंग लाइट से वीडियो शूट करेंगे कभी, मतलब अगर कुछ और वीडियो शूट करना होगा तो उसमें रिंग लाइट सीधी सीधी दिख जाएगी, जो कि थोड़ी सी अजीब लगती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आप सॉफ्ट बॉक्स ही लेना। और गाइस रिंग लाइट के भी बहुत सारे आते हैं और सॉफ्ट बॉक्स के भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि रिंग लाइट आप 10 इंच की ले सकते हो, 10 इंच की ले सकते हो, 22 इंच की ले सकते हो, 20 इंच की ले सकते हो और 12 इंच की भी ले सकते हो। आजकल बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, पर यहाँ पे डिपेंड करता है आप अगर 10 इंच लेते हो तो आप Digitech की ले रहे हो या फिर लो प्राइस पे ले रहे हो या फिर हाई प्राइस पे ले रहे हो, ये भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर आपने ट्राइपॉड वगैरह सबको साथ मिला तो आपको थोड़े ज्यादा दाम पड़ेंगे और कम दाम पड़ेंगे अगर आप ट्राइपॉड हटा दोगे तो। और सॉफ्ट बॉक्स में सेम सिस्टम है गाइस, अगर आप सॉफ्ट बॉक्स लेते हो तो वो भी काफी तगड़ी सी लाइट आपके चेहरे को देखती है और काफी तगड़ा सा इफेक्ट आपके चेहरे पे आता है, और उसकी भी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है पर काफी तगड़ी सी होती है और काफी तगड़ी लाइट देती है। तो उस हिसाब से उसके हम पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइटें भी उस हिसाब से देती है। एंड गाइस तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है हमारी ऑडियो क्वालिटी, यानी कि हमारा माइक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारी वीडियोस के लिए। तो गाइस अगर हम माइक की बात करें तो माइक भी बहुत सारे कैटेगरी आने लगे हैं आजकल। स्ट्रीमिंग माइक आती है और एक नॉर्मल माइक आती है और एक कॉलर माइक आती है, और कॉलर माइक बहुत ज्यादा यूट्यूबर प्रेफर करते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग करा तो आप जिससे भी पूछोगे वो यही बोलेंगे कि आप कॉलर माइक लो, ना कि एक स्ट्रीमिंग माइक लो या फिर कोई अदर माइक लो। और माइक भी काफी ज्यादा महंगे महंगे आते हैं और काफी सस्ते सस्ते भी आते हैं। आप 250 के ले सकते हो, आप 2000 के ले सकते हो, आप 3000 के ले सकते हो, आप 35,000-40,000 की माइक ले सकते हो। आपको क्वालिटी कैसी चाहिए ऑडियो की, आप पे डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बोया M1 सबसे तगड़ी माइक रहती है एक नए यूट्यूबर के लिए या फिर एक किसी भी ऐसा यूट्यूबर के जो कि अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं और थोड़े दूर रहते हैं अपनी वीडियोज में, उनके लिए काफी अच्छा सा रहता है बोया M1 माइक। और बहुत सारे लोग M1 को ही यूज करते हैं। एंड गाइस जब भी आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो आपको उस टाइम पे भी ऑडियो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब किस ऑडियो, मतलब कहीं पे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, कहीं पे कुछ और तो नहीं कर दिया, उसके लिए आपको एक हेडफोन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ईयरफोन में उतनी क्लैरिटी से नहीं सुन पाओगे या फिर आप अगर आपके पास कोई ऐसा साउंड स्पीकर है तो भाई स्पीकर में तो कहता ही मत करो एडिटिंग, क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आता है। आप एक हेडफोन में सुन सकते हो अपनी आवाज को और उसको काफी तगड़े से रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि हेडफोन बहुत तगड़ी सी होती है, आप उसमें ही सुनना। आप हेडफोन भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। और गाइस जो चौथा नंबर पे हमारा आता है वो है हमारा ट्राइपॉड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपकी जो मोबाइल की जो है स्टेबिलिटी वो एक ट्राइपॉड ही कंट्रोल
कंट्रोल कर सकता है ना कि आप कर सकते हो। अगर आप हाथ से बनाओगे तो आपके हाथ शेक होंगे और आपकी वीडियो थोड़ी बहुत हिलेगी, और अगर आपने कहीं पे बस ऐसे जुगाड़ लगा दिया है तो वहां पे कितनी देर आपकी जुगाड़ चलेगी उसमें भी आपका कोई गारंटी नहीं है। तो आप एक ट्राइपॉड लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एंड गाइस आप अपने हिसाब से ट्राइपॉड ले सकते हो, जैसे कि बड़े ट्राइपॉड ले सकते हो, छोटे ट्राइपॉड ले सकते हो, कम प्राइस वाले ट्राइपॉड ले सकते हो और थोड़े महंगे ट्राइपॉड ले सकते हो। और ये आप पे डिपेंड है आप कौन सी तरह के ट्राइपॉड लेना चाहते हो, इस पे आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला है। आप डीजीटी के ट्राइपॉड ले सकते हो या फिर आप जेनेरिक ट्राइपॉड ले सकते हो जो कि आलतू फालतू से कंपनी की आती है, बहुत सस्ते में आ जाती है पर हाँ काफी तगड़ी सी और काफी टिकाऊ होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से लेना चाहते हो। पैसे बचाना चाहते हो तो नॉर्मल खरीद सकते हो, और पैसे नहीं बचाने हैं उड़ाने हैं तो भैया आप डीजीटी के ले लो। और गाइस यहां तक कि ये भी है कि अगर आपको ट्राइपॉड में कुछ मूवमेंट वगैरह करनी है तो आप मूवमेंट वाले ट्राइपॉड ले सकते हो जिसको स्लाइडर कहते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत हिल की वीडियो थोड़ी सी अच्छी खासी तगड़ी वाली, मतलब आप बाहर में आउटडोर शूटिंग कर रहे हो साथ ही इंडोर शूटिंग कर रहे हो और आपके पास कोई बंदे हैं जो कि कैमरा को हैंडल कर सकते हो, तो आप एक गिम्बल ले सकते हो या फिर खुद ही गिम्बल को हैंडल भी कर सकते हो। या फिर ब्लॉगर हो तो आपके लिए गिम्बल काफी तगड़ा रहता है इन सभी मामलों में। मेरी मानो तो अगर आप कहीं बाहर या फिर अंदर शूट करते हो ब्लॉगिंग को तो आपको गिम्बल ही लेना चाहिए, वो काफी तगड़ी रहती है आपके लिए। स्लाइडर में क्या होता है कि वो जूम इन और जूम आउट कर सकता है और ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, थोड़ा राइट जाएगा थोड़ा लेफ्ट जाएगा या फिर जूम इन जूम आउट, इसमें बस यही है। पर गिम्बल में आप गिम्बल जो है आपकी स्टेबिलिटी को थोड़ी सी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी और आपकी फोन बहुत कम हिलेगी, मतलब गिम्बल में तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी क्योंकि आजकल डिजिटल गिम्बल भी आ गए हैं तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। और गाइस कुछ और भी सामान जो कि आपको अपने वीडियो बनाते टाइम याद रखने हैं कौन से सामान आपको लेने पड़ेंगे। तो पहला आपको अगर आप कैमरा यूज करते हो तो आपके लिए कैमरा लेंसेज जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, कैमरा लेंसेज आपको रखने पड़ेंगे। वाइड एंगल, जूम, जूम इन, जूम आउट ये सब थोड़े बहुत नहीं चलते पर वाइड एंगल बहुत तगड़ी से रहते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एंड दूसरी जो है वो है आपको एक बहुत बड़ा वाला बैग पैक लेना अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि गाइस छोटे बैग में तो कुछ आने वाला नहीं है। और अगर आप एक बैग पैक लोगे तो भैया सही रहेगी आपके लिए, और एक बड़ा वाला ही बैग पैक लोगे क्योंकि छोटे वाले में नहीं आएगा फटी जाएगा। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।